हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में जाना, जिसमें बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किया था कि मोनो में कैसे हम एक कैरेक्टर को लेकर आगे की जनरेशन के बारे में देखते हैं, और डाईहाइब्रिड में कैसे हम दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे मेंडल के जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के, उसके बारे में और म्यूटेशन के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो मेंडल हैं उन्होंने तीन लॉज दिए थे जो इनहेरिटेंस के थे। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और बच्चों जो हमारा लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो हमारा पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, मतलब कि दो अलग अलग कैरेक्टर के जो पेयर होते हैं और वो साथ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से जो एक कैरेक्टर होता है वही क्या होता है, एबल होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, और जो बच्चों हमारा अदर कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है। तो जो कैरेक्टर हमारा एबल होता है अपने फीचर्स यानी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में, वो क्या होता है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो क्या होता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो होता है रिसेसिव कैरेक्टर। और जो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को केवल तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब उनका पेयर क्या होगा, रिसेसिव होगा। यानी कि जो दोनों कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, जब रिसेसिव होंगे तभी वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसको एग्जांपल से बच्चों जैसे हम समझते हैं, जैसे ये क्या है, ये हमारे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे हमने ले लिया एक कोई भी कैरेक्टर पी प्लांट का, जैसे है कि उसकी जो हाइट है तो हम जानते हैं कि या तो वो क्या हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं या फिर ड्वार्फ हो सकते हैं। तो ये बच्चों जो हमारा कैपिटल टी है वो क्या बताएगा कि जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, और जो स्मॉल टी है वो क्या बताएगा कि जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो ये दोनों का क्या है, पेयर है। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये बच्चों जो हमारा पेयर है, इससे बच्चों जो हमारा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या होगा, वो होगा कि जो हमारा प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स हैं। और जब किसी भी पेयर में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो तो जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो या तो आपको पूछेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या ऐसे भी पूछ सकता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं नाम। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है कि जो भी दो मेंबर्स होंगे एक पेयर के, ठीक है, वो जो भी फैक्टर्स होंगे वो सेपरेट होंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होंगे बल्कि सेपरेट होंगे अलग अलग गैमेट्स में, और ये जो गैमेट्स हैं बच्चों वो कंबाइंड होंगे जब एक साथ, जब क्या होगा, फ्यूज़न होगा हमारा, और उस समय क्या फॉर्मेशन होगा, जायगोट का। जैसे यही बच्चों हम एग्जांपल पे देख लेते हैं अपने, जैसे ये क्या है हमारे एक्सिलरी और टर्मिनल फ्लावर हैं, और इनके जो कैरेक्टर हैं वो कैसे हैं, ये है हमारा डोमिनेंट और ये है हमारा रिसेसिव। तो ये बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होता है, हमारा सेल डिवीज़न जब होगा तो वो कैसे होगा, मियोसिस से सेल डिवीज़न होगा। तो और जब सेल डिवीज़न होगा तो क्या बनेंगे, हमारे गैमेट्स हमारे बनेंगे, फॉर्म होंगे। तो ये बच्चों हमारे गैमेट्स फॉर्म हुए, और ये क्या हुए, अलग अलग फॉर्म हुए, सेपरेट हुए। ठीक है, और फिर क्या होगा बच्चों, इनका फ्यूज़न होगा दूसरे गैमेट्स से। ठीक है,
यानी जो हमारे ये गैमिट्स फॉर्म हुए, फिर इधर भी हमारा मियोसिस से सेल डिवीज़न होगा, तो ये भी जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं उनके भी गैमिट्स फॉर्म होंगे और फिर इनका बच्चों फ्यूज़न होगा। तो बच्चों जो फ्यूज़न होगा तो वो क्या बनाएगा, एक न्यू सेल को बनाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगॉट। तो ये क्या होंगे, बाद में कंबाइंड होंगे और फ्यूज़न करेंगे और न्यू सेल को जेनरेट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में बच्चों हमारा क्या है कि जो भी हमारे दो मेंबर्स होते हैं एक पेयर के, वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे जब उनमें क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, और फॉर्मेशन होगा क्या हमारे गैमिट्स का। फिर आगे जाकर क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे गैमिट्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे और जो न्यू सेल होगा वो क्या होगा, हमारा जायगॉट होगा, ठीक है। हमारा लास्ट लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या है कि जब हमारे दो पेयर्स हो कैरेक्टर्स के, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो उनके एलील्स हैं किसी भी एक कैरेक्टर का, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो न्यू गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है उसके जो एलील्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बच्चों जो हमारा लॉ है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि उसमें क्या हम पेयर बनाते हैं, दो कैरेक्टर्स का पेयर बनाते हैं। जैसे कि ये है हमारा क्या है, हमारे एलील्स है, जैसे हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारे जो सीड है उसकी शेप और कलर का। तो जैसे हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है कि जो हमारे सीड की शेप होती है वो क्या होती है, राउंड, और जो उसका कलर होता है वो होता है येलो। तो ये हमारा हो गया आर और वाई का हमने पेयर बनाया। तो बच्चों अब इनका क्या होगा, इनका होगा डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न, और फॉर्मेशन होगा गैमिट्स का। तो ये फॉर्मेशन हुआ हमारे गैमिट्स का, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर वाई, और यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा, आर वाई। तो ये क्या है, ये दोनों हैं अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे। तो ये क्या होंगे, जो इनके गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे सीड का कलर है और जो शेप है हमारा, और उसके जो हमारे एलील्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, इसका इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे मेंडल के लॉ, जिसमें हमने देखा पहला लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हमने जाना कि अगर एक रिसेसिव हो और एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो तो हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सप्रेस्ड, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। फिर था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें हमने क्या देखा कि जो फॉर्मेशन होता है गैमिट्स का, तो उसमें जो हमारे पेयर्स में जो मेंबर्स हैं यानी जो हमारे एलील्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इनका जो सेपरेशन होता है यानी कि जो गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर ये जो गैमिट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, उनका फ्यूज़न होता है दूसरे गैमिट्स के साथ, और ये क्या बनाएंगे, न्यू सेल को बनाएंगे, जो क्या होता है हमारा जायगॉट। और जो हमारा थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पेयर में दो कैरेक्टर्स हो और उनका जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनके गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, तो जो हमारे दोनों कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारे मेंडल के लॉज, जो थे हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आगे है बच्चों हमारा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है, इसमें होता है सडन चेंज हमारे जीन्स में, और जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं और जो उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन में क्या होगा, हमारे जो नंबर्स होंगे क्रोमोसोम्स के, उनके जो स्ट्रक्चर होंगे और जो हमारे जीन्स होंगे उनमें क्या होगा, सडन चेंज आएगा। यानी जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, या उनका स्ट्रक्चर बदलेगा। तो यही सब जो होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं,
म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन होगा वो क्या करेगा, हमारी जो हेरिडिटी है उसके जो मटेरियल्स होंगे उनको क्या करेगा, अल्टर करेगा, यानी कि उनमें क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा। और उन चेंजेस की वजह से जो हमारे ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होंगे और जो उसके ट्रेट्स होंगे उनमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स और जो हमारे ट्रेट्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे जीन्स पर। तो जब उनमें म्यूटेशन होगा, उनमें चेंज आएगा, तो हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे उनमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि जो म्यूटेशन होगा वो क्या करेगा, हमारे क्रोमोसोम्स और जो हमारे जीन्स हैं उनके नंबर और जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं उनमें चेंजेस लाएगा। तो जब क्या हो गए, हमारे चेंज होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे ट्रेट्स कैरेक्टर को इफ़ेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी भी अफेक्टेड होगी और क्या होगा, हमको डिजीज़ होगा। जैसे कि हमारा एक डिजीज़ है जो कि है सिकल सेल अनीमिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहली बात तो जो हमारा ये डिजीज़ है वो ब्लड रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जीन्स में म्यूटेशन होगा और उस म्यूटेशन से क्या होगा, हमारा जो डीएनए है उसमें क्या आएगा, उसमें चेंजेस आएगा, जिसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा कि जो हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन होगा उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। उसका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसा आप बच्चों इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी, ठीक है। और इस साइड बच्चों जो हमारी आरबीसी है वो कैसी है, सिकल आरबीसी है। तो ये जो बच्चों सिकल शेप वाली जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या करती है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या करती है, उसमें ब्लॉकेज पैदा करती है। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये बच्चों क्या होता है, यही होता है हमारा सिकल सेल अनीमिया, जिसमें क्या होगा, हमारा जीन क्या होगा, म्यूटेशन होगा उसमें, जिससे हमारा जो डीएनए होगा उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा, जिसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा आरबीसी का वो कैसा होने लगेगा, वो होने लगेगा सिकल शेप में, जो क्या पैदा करेगा, जो हमारे ब्लड फ्लो है उसमें ब्लॉकेज को पैदा करेगा। आगे है बच्चों हमारा रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो ये क्या होते हैं बच्चों, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमारे जीन्स के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी उनमें अल्टर करते हैं, जिसको हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन देख सकते हैं। यानी कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से जो हमारे जीन्स में चेंजेस आते हैं वो कैसे होंगे, उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो काफ़ी जनरेशन तक देखा जा सकता है। जैसे कि बच्चों जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था जापान में, जो कब हुआ था, हमारा जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था 1945 में, तो जापान के जो दो मेन सिटीज़ थे हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो वहाँ के लोगों के जो जीन्स हैं उनके जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया था, वो सभी इफ़ेक्ट हो गए थे। और इसका जो हम रिज़ल्ट है वो आज तक वहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट्स है वो क्या है, उनमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारे जो जीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं और जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, और जिसका इफ़ेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी सिटी है, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान क्या हुआ था, एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा मेंडल के लॉस और म्यूटेशन के बारे में हमने जाना। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।